हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक 11 में। दोस्तों, इस पीसी में एक इशू आ रहा है, अब वो मैं इशू आपको दिखाता हूँ। ये हमने यूपीएस ऑन कर लिया, पावर ऑन हो गया, देखिए यहाँ पे लिख रहा है आपका सीमोस डेट टाइम नॉट सेट। तो सीमोस सेल इसका जो है वो ख़राब हो गया है और ये जितनी बार भी रीस्टार्ट कर रहे हैं उतनी बार ये मांग रहा है। तो चलिए इस इशू को फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यूपीएस बंद कर देंगे, ये बंद हो गया, पावर डिस्कनेक्ट करेंगे, सारे केबल्स डिस्कनेक्ट कर देंगे। और अब हम लोग को सीमोस सेल ऐसे बोल्ड में नहीं दिख रहा है, ये ग्राफिक कार्ड के जस्ट नीचे है। जस्ट अ सेकेंड, तो देखिए ग्राफिक कार्ड के जस्ट नीचे है, तो मुझे पहले ग्राफिक कार्ड निकालना होगा। ये एक स्क्रू है, इसको खोलना पड़ेगा। ग्राफिक कार्ड को निकालते हैं, ये हमारा ग्राफिक कार्ड ज़ोटेक का है, 1050 Ti 4GB। ये हमने इसको निकाल लिया, तो देखिए अब जैसे निकाला हमने, यहाँ पे हमारा सीमोस सेल दिख रहा है, तो अब इस सीमोस सेल को रिप्लेस करेंगे इससे। तो उसको निकालने का तरीका कुछ ऐसा है, इसको आप प्रेस करेंगे, ये हमारा सीमोस सेल निकल गया, ये हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। अब ग्राफिक कार्ड फिर से लगा देते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ ग्राफिक कार्ड इसमें इंस्टॉल कर दिया फिर से वापस। तो चलिए अब यूपीएस ऑन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं। हमारा पीसी ऑन हो गया, एक बार हमें डेट टाइम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम F2 परचेज प्रेस कर देंगे। आप यहाँ पे सेटअप के अंदर बायोस में भी जाके डेट टाइम चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको F1 या जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो प्रेस करना है। मेरे केस में मैं डायरेक्टली सीधे इंटरनेट से टाइम डेट अपना सिंक कर लूँगा। ये पीसी हमारा ऑन हो गया और देखिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टाइम डेट पे, तो अभी भी 18/4/2022 22:10 दिखा रहा है। तो चलिए इस टाइम डेट को अपडेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ राइट क्लिक कर लेंगे, एडजस्ट टाइम डेट, यहाँ पे सिंक नाउ, और जैसे ही सिंक नाउ करेंगे तो देखिए यहाँ पे टाइम डेट इसका सेट हो गया है। फिर इसको क्लोज कर देंगे और पीसी शट डाउन कर देते हैं। और चेक करते हैं दोबारा इसको पूरा बंद करने के बाद ऑन करने पे कि जो हमने सीमोस सेल चेंज किया है उससे हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है या नहीं। पीसी शट डाउन हो रहा है, ये बंद हो गया, यूपीएस बंद, यूपीएस ऑन करते हैं, पीसी ऑन करते हैं हम।
पीसी ऑन हो गया ये। अब देखिए डायरेक्टली विंडोज ऑन हो रही है, इसका मतलब जो हमने सीमो सेल ही हमारी खराब थी, सीमो सेल हमने चेंज करने से यह प्रॉब्लम मेरा रिजॉल्व हो गया। अब एक बार विंडोज पूरी ऑन हो जाए तो डेट टाइम भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों पीसी प्रॉपरली ट्रबल शूट करना बहुत जरूरी होता है। और देखिए यहाँ पे हमारा टाइम डेट सेट हो गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।